हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग अपने पीसी या लैपी में कोई भी फाइल या फोल्डर को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो गाइस, ये सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ है, सबको पता है ये हाइड करना और सबको पता है इसको अनलॉक करना। बट मैं आपको वो प्रोसीजर नहीं सिखाने वाला हूँ जो आप सब यूज़ करते हैं। मैं आपको अलग एक प्रोसीजर सिखाने वाला हूँ जो बिना सॉफ्टवेयर या बिना एप्लीकेशन के द्वारा किया जा सकता है, और आपको डेफिनेटली ये प्रोसीजर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस, ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप ये वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग अपने फोल्डर या फाइल को हाइड कर सकते हैं, वो भी अलग प्रोसीजर से। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा डेस्कटॉप में एक फाइल और फोल्डर, आप बोल सकते हैं फोल्डर है, उसको हम लोग हाइड करके देखेंगे। गाइस, मेरे को पता है आप बेसिकली कैसे हाइड करते हैं, और सबको ये भी पता होगा कैसे उसको हाइड भी किया जाता है। आप कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप कोई फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाना होता है, और फिर आप हाइड में क्लिक करते हैं, फिर अप्लाई में क्लिक करते हैं, फिर हम लोग ओके करेंगे और ये हाइड हो जाता है। बट ये प्रोसीजर बहुत कॉमन हो चुका है, यह आराम से कोई भी अभी देख सकता है। जैसे कि मैं डिस्क पीसी में जाऊंगा, उसके बाद हम लोग व्यूज में जाएंगे, हाइड में क्लिक करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं रिफ्रेस कर लेता हूं, और जैसे कि देख सकते हैं ये आ चुका है। ये बहुत कॉमन सा फीचर है, इसको सबको पता है, और आप ये हाइड करना एक्चुअली में होता ही नहीं है, तो सबको पता चल गया है कि इसको कैसे अनहाइड किया जाता है। बट तो गाइस, ये वीडियो में मैं आपको अलग प्रोसीजर दिखाऊंगा जो बेसिकली बहुत जन को पता भी नहीं है और बहुत जन को आता भी नहीं है करने के लिए। तो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इसको अनहाइड कर देते हैं, और हाइड से क्लिक हटा देते हैं, अप्लाई में क्लिक करते हैं, और ओके में क्लिक करते हैं, इसको भी हम लोग हटा देते हैं, हाइड आइटम काट देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको हाइड करके दिखाएंगे। गाइज, ये प्रोसीजर आप कोई भी विंडोज़ में कर सकते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, कोई भी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन में जाऊंगा, स्टार्ट बटन में हम लोग को लिखना होगा CMD कमांड प्रो। CMD खुलने के बाद आपको डायरेक्टली चूज़ करना होगा जो फाइल आपको हाइड करना है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा फाइल डेस्कटॉप में प्रेजेंट है, तो मैं अपना डायरेक्टली डेस्कटॉप में कर देता हूँ। तो मैं CD डेस्कटॉप कर लेता हूँ। और हम लोग एंटर कर देते हैं डेस्कटॉप में। जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये डेस्कटॉप डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक कमांड लिखना होगा, वो उसको आप नोट कीजिएगा, वो कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही कमांड मेन है ये पूरा प्रोसीजर का। तो हम लोग ये कमांड को लिखते हैं, attrib स्पेस प्लस प्लस एच प्लस एस प्लस आर। उसके बाद हम लोग को अपना फोल्डर का नाम लिखना होगा, जैसे कि मेरा फोल्डर का नाम है टेस्ट TEST, और हम लोग एंटर में क्लिक, सॉरी गाइस कमांड गलत हो गया, फिर से हम लोग क्लिक करेंगे attrib प्लस एच प्लस प्लस एस प्लस आर, और हम लोग अपना फाइल का नाम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग एंटर क्लिक करेंगे। जैसे कि गाइस, आप देख सकते हैं ये फाइल गायब हो गया है, इधर कोई फाइल भी नहीं है। और मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि आपको इधर से भी आपको वो फाइल नहीं मिलने वाला। आप हाइड में क्लिक करता हूँ, और इधर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, और आप देख सकते हैं इधर कोई भी फाइल नहीं है। जैसे कि आप पूरा देख सकते हैं डेस्कटॉप में कोई भी फाइल नहीं है। बट डोंट वरी गाइस, आपको ये फाइल वापस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो फाइल डिलीट हो गया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रिकवरी करते हुए दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग ये फिर से एक कमांड लिखना होगा, ये कमांड भी आप नोट कीजिएगा। ये कमांड मैं फिर से लिखता हूँ, आप कमांड प्रॉम्प्ट में आइए, फिर से हम लोग लिखते हैं attrib माइनस एच स्पेस एस माइनस आर, और अपना फोल्डर का नाम जो हम लोग रखे थे, और एंटर में क्लिक करेंगे। और उसी के साथ शायद हम लोग का फोल्डर आ चुका है, रिफ्रेश करते हैं, और जैसे कि गाइस देख सकते हैं ये फोल्डर आ चुकी है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया कंप्लीट प्रोसीजर। ये बहुत छोटा सा कमांड है, आपको यूज़ करना होगा। आपको ये कमांड सब डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोसीजर, इसको बहुत क्योंकि इसको पता ही नहीं है इसको यूज़ करना, और ये बेसिकली नॉर्मल यूज़र को तो एकदम ही नहीं पता। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप ये वाला प्रोसीजर यूज़ कीजिए अपने फाइल और फोल्डर को हाइड करने के लिए। गाइस, ये प्रोसीजर का एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर किसी को ये प्रोसीजर के बारे में पता भी चल जाएगा, तो वो खोल नहीं पाएगा कि आपका फाइल किस लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जिसको जो आपका फाइल ओपन करेगा, उसको आप वो फाइल का नाम पता रहना चाहिए एग्जैक्टली, तब जाके वो फाइल खुलेगा। अगर दूसरा कुछ गलत फाइल नेम रहेगा, तो वो खुलने वाला नहीं है, कोई भी फोल्डर अनहाइड होने वाला नहीं है, और ये चीज़ बहुत सिक्योर रहेगा। और कोई भी आपका फाइल या
और फोल्डर कोई भी आपको खोल नहीं पाएगा आपका बिना परमिशन लिए। तो आई होप गाइस आपको पूरा प्रोसीजर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में छोटा सा बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे होता ये है मैं जब भी वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करते। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड गुड बाय।